हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये टेबल मालूम होनी चाहिए और ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है। इस टेबल में एक साइड आप लिख लेंगे डेसिमल डिजिट, जो 0 से लेकर के 15 तक लिख लेंगे, और इसको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है सिंपल, 1 2 4 8। तो 1 2 4 8, तो 1 की जगह चूंकि 1 है तो एक एक बार लिखना है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे पूरा लिख लेना है एक एक बार। अब चूंकि 1 के बाद 2 आता है तो यहाँ 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 ऐसे लिखना। फिर 4 आए तो फिर 4 बार 0 4 बार 1 ऐसे लिख लेना है। फिर 8 है तो 8 बार 0 8 बार 1, तो 1 2 4 8 के फॉर्म में इसको ऐसे आसानी से लिख लेना है। और इस वाले में कॉलम में आपको हेक्सा डेसिमल डिजिट लिखना है, जो 0 से 9 तक मेरिक करेक्टर्स हैं, उसके आगे रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेटिक करेक्टर्स का यूज करते हैं, ए से लेके एफ तक। आइए अब रूल देख लेते हैं। जो भी बाइनरी नंबर है उसको क्या करना है, आपको 4 डिजिट के पेयर बना लेने हैं और उसको फिर हेक्सा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करना है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई बाइनरी नंबर है 1111। ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका है, इसको ऐसे नीचे लिख लेना है, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0। अब इसको क्या करना है, एज पर रूल के हिसाब से जो बाइनरी है उसको 4 डिजिट के पेयर में कन्वर्ट करना है, राइट। ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, चूंकि क्या कह रहे हैं, फ्रॉम राइट साइड, ये चूंकि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टेबल में आप देखिए ये कहाँ पे है, 0 1 1 0, तो यहाँ पे क्या है, ये 6 है, राइट। इसी तरह 1 1 0 1 को हम क्या लिखेंगे, डी। इसी तरह से इसको 8, इसको ई। तो इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो गया, ई 8 डी 6। ये बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, ये एक फ्रैक्शनल बाइनरी है, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख लेना है एज इट इज, 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एज पर रूल के हिसाब से इसको 4 डिजिट के पेयर में आपको कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड आप जाएंगे इधर, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 4 डिजिट नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 कम पड़े हैं तो 2 0 लिख लेंगे आप, ठीक। तो ये 4 डिजिट हो गया। आप इधर जाएंगे तो पॉइंट के लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो ये भी 4 डिजिट बन रहा है। आप पॉइंट के इधर जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप इधर 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 5 पॉइंट, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका 2, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखिए 2D.5। एक और फ्रैक्शनल का देख लेते हैं, ये फ्रैक्शनल में है बाइनरी, इसको क्या करना है, एज इट इज ऐसे लिख लेना है, 1 1 0 0 0 0.1 0 1 0 1 1। अब चूंकि एज पर रूल के हिसाब से 4
फोर डिजिट के पेयर में आपको बना लेना है। तो पहले हम लेफ्ट साइड का देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में कैसे बनाएंगे, आपको इस तरीके से ये हो गया, चूंकि इसमें ये नहीं बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर लेंगे, 0 0। अब ये हमारा बन गया। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम इधर से पेयर बनाएंगे फोर डिजिट का, और ये बन गया। चूंकि इधर अब दो हमारे कम पड़ रहे हैं तो 2 0 ऐड कर लेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल है। अब इसको इस टेबल में आप देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है। ये बाइनरी आपका कितने का है, 1 का, 1111। आप देखिए कहाँ पे है, ये है ई, राइट। इसे 0110 कहाँ पे है, 0110, ये है 6 का, ये हो गया 6। और 1010 कहाँ पे है, ये आपका इसमें देखिए 1010A है। और इसी तरह 1100 कहाँ पे है, सी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, 1E6.AC। ये आपका इस तरीके से कोई भी बाइनरी हो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। थैंक यू।